नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपके भरोसेमंद न्यूज चैनल भारत छाछुड़ा में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा खबरों में। छाछुड़ा में आपको कभी भी अगर ब्लड की जरूरत पड़े, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या रात हो, तो आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क करके ब्लड हासिल कर सकते हैं। ओडिशा सरकार के द्वारा घोषणा की गई कि बहुत जल्द 10वीं और 12वीं क्लास की स्कूल्स खुलेंगे। लखनपुर के पंडरी गांव में गांव के कुछ युवकों ने गोविंद मेहर और उसके पिता को जान से मारने की धमकी दी। गोविंद मेहर ने लिखित में शिकायत दर्ज करवाई है लखनपुर थाने में। झारसुगड़ा में बीते 24 घंटे में आए 9 कोविड के मरीज। इसी के साथ झारसुगड़ा में कोरोना के एक्टिव केस पहुंचे 76 तक। बीते 24 घंटे में 7 कोविड के मरीज कोरोना से ठीक होकर घर को लौटे हैं। झारसुगड़ा के प्रशांत भाटी, जो कि ब्रिजराज नगर ब्लैक डायमंड स्कूल के छात्र हैं, एनडीए एग्जाम में उन्होंने 97वां स्थान हासिल किया। झारसुगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने बैरामल पेट्रोल पंप के पास पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया लेते हुए एक हस्ताक्षर अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया था। झारसुगड़ा बिजुनगर एरिया में एक विवाहित महिला की हुई संदेहजनक मृत्यु। परिवार लोगों ने उनके पति पर लगाया हत्या का आरोप। निखिल उत्कल पूजाघर साहित्य संघ और वनी विभाग के सहयोग से झारसुगड़ा शहर में एक फल वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। Eat classes during lockdown? Don't worry, we are here for you. Now opens Lifestyle Optics. Home delivery facilities available. बंदवाहाल पुलिस ने जुआ अड्डे पर छापा मारकर 6 लोगों को गिरफ्तार करने के साथ 24,289 रुपए जब्त किए। बिजयनगर हरिओम बिहार में एक शिव मंदिर और एक कल्याण मंडप बनेगा। बरगढ़ एमपी सुरेश पुजारी और बिजयनगर एमएलए किशोर कुमार महांती के द्वारा इसका अर्धशिला रखा गया। उन्होंने वहां पे वृक्षारोपण भी किए हैं। बड़माल थाना एरिया के गरीडी गांव के राजेश राउत और उनके पत्नी जब घर में थे, उसी गाँव की झरुआ किसान घर पर घुस कर उन पर हमला किए। इसमें महिला की सिर फट गई थी। बड़माल थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की जाँच शुरू हुई। बिजाज नगर के बालीपुत गांव के शरत नायक की बुलेरो गाड़ी चोरी होने का शिकायत थाने में दर्ज करवाया गया है। गाड़ी घर के सामने ही थी। बेलपहाड़ गोड़ापड़ा स्थित महांती ढाबा पे अवैध रूप से शराब बिक्री हो रही थी। पुलिस ने छापा मारकर शराब जब्त करने के साथ साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। झारसुगड़ा तलपटिया ओएमपी चेक गेट के माली मुंडा रोड पर नालिनी मुंडा नाम की महिला की दुकान से दो चोरों ने चोरी करके महिला को बंद कर वहां से फरार हो गए। झारसुगड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस जांच कर रही है। दो दिन पहले बहरामाल के मुड़ी मिल रोड पर एक व्यक्ति की गला काट कर हत्या कर दी गई थी। उसी केस में पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी है। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका दे, धन्यवाद।